वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। भाइयों, तो आज के ड्रामे का नाम है द बिशॉप्स कैंडलस्टिक। यार ये सीबीएसई के ड्रामे भी खत्म नहीं होते, और जिस इंसान ने ये ड्रामा लिखने का कष्ट किया है उसका नाम है नॉर्मैन मैकलिन। ये ड्रामा लव और काइंडनेस पर है। इसमें एक बिशॉप होता है जो सबका भला करता है और बहुत ही ज्यादा दानी इंसान है। बिशॉप के साथ उसकी बहन रहती है और उसकी बहन का नाम है परसोम। तो कहानी शुरू करते हैं, ये ड्रामा शुरू करते हैं। तो अभी सीन क्या है कि बिशॉप के घर में अभी सिर्फ परसोम और मरी है। मरी काम वाली बाई का नाम है। बताओ यार, फ्रांस में नौकरों के नाम भी कितने फैंसी होते हैं, और हमारे यहां तो मालिक का नाम ही चूरण दास टाइप होता है। तो मरी सूप बना रही होती है। परसोम मरी से पूछती है कि सूप बना? तो वो बोलती है, नहीं मैम। परसोम कहती है, कामचोर, तूने आग ढंग से नहीं लगाई होगी। मरी बोलती है, मैम आग तो आपने ही लगाई थी। बेइज्जती, घोर बेइज्जती। परसोम कहती है, ये सब छोड़, रात के 11 बज गए हैं और मेरा भाई अभी तक बाहर है। उसने जाने से पहले कुछ बताया था वो कहां जा रहा है? मरी बोलती है, हाँ हाँ मैम। परसोम गुस्से में बोलती है, तो गरीबन बताया क्यों नहीं? मरी कहती है, मैम आपने पूछा ही नहीं। परसोम बोलती है, ये बता मेरा भाई कहां गया है? मरी बताती है, वो तो मेरी मां से मिलने गए हैं। परसोम बोलती है, मेरा भाई तुम्हारी मां के साथ इस टाइम क्या करने गया है? दारू पार्टी? ये बता क्यों गया है और क्या करने गया है? मरी कहती है, सर ने मेरे से पूछा कि तुम्हारी मां कैसी है, तो मैंने उन्हें बता दिया कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, तो वो उन्हीं को देखने गए हैं। परसोम सोचती है कि मेरा भाई भी कितना बावला है। मरी बोलती है, मैम सूप उबल गया। परसोम बोलती है, इसे कटोरी में मैं डाल दूंगी, तू सिल्वर वाले सॉल्ट सेलर्स को टेबल पर रख दे। भाई सॉल्ट सेलर तुम्हें पता तो होगा क्या होता है, देखे होंगे तुमने अपने घर में या रेस्टोरेंट की टेबल पे। वो एक छोटा सा कंटेनर होता है जिसके ऊपर बहुत सारे छेद से होते हैं और उनमें से नमक निकल के आता है। तो मरी बोलती है, वो तो बेच दिए। परसोम कहती है, बेच दिए? किसने और क्यों और कब? मरी बताती है, आज जब आप बाहर थे तो आपके बिशॉप भाई ने मुझे कहा कि मैं जर्विस के पास जाऊं जो उन सॉल्ट सेलर की तारीफ करते थे, और उन्हें बेच दूं। परसोम कहती है, मेरे भाई के दिमाग में ऐसा क्या आया जो उसने ये चांदी के सॉल्ट सेलर बेच दिए? मरी बताती है, ग्रिन गोयर जो किराए के घर में रहती है उसके पास इतने रुपए नहीं थे कि वो रेंट दे सके, तो मकान मालिक कहता है एक दिन में या तो रेंट भर दो वरना तुम्हें भी बाकी गरीबों के साथ रैन बसेरे में रहना पड़ेगा। तो ग्रिन गोयर जीन को सर बिशॉप के पास मदद लेने के लिए भेजती है, तो उन्हीं का रेंट भरने के लिए उन्होंने आज सॉल्ट सेलर बेच दिए। परसोम सोचती होगी, मैं कई सालों से शॉपिंग नहीं गई और ये दूसरों के रेंट भरे जा रहा है, और मन ही मन रोना चालू कर देती है। इतने में बिशॉप घर में एंट्री लेता है, अपनी बहन को दुखी देखता है और बोलता है, क्या हुआ? मरी ने बर्तन तोड़ दिए क्या? परसोम कहती है, नहीं मरी ने कुछ नहीं किया। फिर बिशॉप मरी को कहता है, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ ठीक हो रही है, मैं तुम्हारी माँ के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। बाहर बहुत ठंड है इसलिए तुम मेरा मफलर ले जाओ,
मरी मफलर लेके चली जाती है। फिर भाई बहन का डिस्कशन चालू हो जाता है। बहन पहले सूप पिलाती है और फिर मुद्दे की बात पर आ जाती है। वो बोलती है, मुझे लगता है तुम सठिया गए हो, इतनी ठंड में मरीजों को देखने गए थे, और मुझे पता है वो बीमार होने का सिर्फ नाटक करते हैं, जिससे तुम उन्हें देखने आ जाओ। बिशप बोलता है, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। पर सोम समझाती है, तुम लोगों की मदद करने के लिए अपनी चीजें बेचते रहो, ये सही नहीं है। एक टाइम आएगा जब तुम कंगाल हो जाओगे। बिशप कहता है, मैं लोगों की मदद कर रहा हूं। पर सोम समझाती है, लोग तुम्हारा काट रहे हैं और तुम कटवा रहे हो। आज तुमने सॉल्ट सेलर बेच दिए, कल तुम कैंडलस्टिक बेच दोगे। दोस्तों, कैंडलस्टिक मतलब जो कैंडल का एक होल्डर होता है ना, उसे कैंडलस्टिक कहते हैं। और बिशप की ये कैंडलस्टिक ही है इस ड्रामे की जड़। बिशप की कैंडलस्टिक चांदी की होती है और बहुत ही ज्यादा कीमती भी। बिशप बताता है, मैं किसी भी हाल में कैंडलस्टिक को नहीं बेचूंगा। ये कैंडलस्टिक मेरी माँ ने मुझे अपने डेथ बेड पर दी थी। दोस्तों, डेथ बेड कोई बेड नहीं है जिस पर तुम लेटो और सो जाओ, बल्कि डेथ बेड का मतलब है मरते वक्त। तो बिशप की माँ ने कैंडलस्टिक बिशप को मरते टाइम दी थी, और उसकी माँ ने कहा था, मेरी याद में तुम इस कैंडलस्टिक को अपने पास रखना। तो परसोम सोने जाने का प्लान बना लेती है और बिशप को गुड नाइट बोलकर कबर्ड बंद करके सोने चली जाती है। पर बिशप चौकीदारों की तरह जगा रहता है। 12 बज जाते हैं। बिशप आग लगाता है और एक किताब उठाकर उसे पढ़ना चालू कर देता है। यार, अब तो मुझे भी नींद आ रही है, तो चलो यार इसे पढ़ने देते हैं और हम इतने थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।